हमारे पास जो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है इन कंप्यूटर ग्राफिक्स वो है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब ही है कि टू इनलार्ज और टू मेक इट स्मॉल, मतलब एक कोई ये वाई एक्स कोऑर्डिनेट है और एक कोई गिवन ज्योमेट्री है जैसे कि इस ज्योमेट्री, तो स्केल इट डाउन, इनलार्ज इसको करो या फिर और इसको स्मॉल बनाओ। स्केलिंग का मतलब ये है कि या तो टू मेक इट इनलार्ज और टू मेक इट स्मॉल। ओके, सो जैसे अब इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं ए, ये है और ये आफ्टर स्केलिंग ए डैश हो गया या फिर डी स्केलिंग ए डैश ए डबल डैश इसका हो गया। तो अगर ए की कोऑर्डिनेट एक्स वाई थी, ए डैश की जो कोऑर्डिनेट होगी एक्स डैश वाई डैश होगी, तो जो एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू होगी कैसे निकालते हैं, तो जो एक्स डैश होता है एक्स इंटू एस एक्स होता है और जो वाई डैश होता है वो वाई इंटू एस वाई। ये स्केलिंग की इक्वेशंस होती है कि मतलब ये स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम न्यू पोजीशन निकाल लेते हैं एक्स वाई का आफ्टर स्केलिंग डाउन टू इनलार्ज और टू मेक इट स्मॉल। ओके, तो अब हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल इस पे। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं तब न्यूमेरिकल देखेंगे। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर फाइंडिंग आउट द न्यू पोजीशन आफ्टर स्केलिंग एक्स डैश वाई डैश वन इज इक्वल टू एक्स वाई दैट इज इनिशियल कोऑर्डिनेट वन इन जेड बिकॉज इट इज टू डी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है जिसको कि स्केलिंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं वो होता है एस एक्स जीरो 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 एस वाई जीरो 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 वन। ये याद करना पड़ेगा एज पहले वीडियो में जो ट्रांसलेशन के लिए देखा था वैसे इसको भी याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। बस अब देखते हैं एग्जांपल। नाउ हमारे पास एक जो क्वेश्चन है वो है ए ट्रायंगल एबीसी हैविंग वर्टिसेस ए 11 बी 17 एंड सी 54 इज स्केल्ड बाय 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन देन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सी। फाइनल पोजीशन ऑफ सी निकालना है। अगर ये बोला होता फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन ऑफ वर्टिसेस तो ए बी सी तीनों का निकालना पड़ता, जैसे सी का निकालेंगे वैसे ए बी का भी निकाल देते। तो जैसे कि अब स्केलिंग देखेंगे तो एस एक्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बिकॉज 3 यूनिट स्केल डाउन इन एक्स डायरेक्शन। और एस वाई क्या हो जाएगा अब यहाँ से ध्यान से देखना होगा, जीरो नहीं होगा अगर वाई में स्केल डाउन नहीं हो रहा है, कोई भी स्केलिंग नहीं हो रही, तो जीरो नहीं होगा वन होगा वन एस वाई, क्योंकि जेड में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो भी हम वन ले रहे हैं, ठीक है। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा जिसको स्केलिंग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इससे भी कभी कभी डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा 3 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो अब फॉर सी फाइनल पोजीशन ऑफ सी, अब यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे लेट द फाइनल पोजीशन ऑफ सी वी एक्स डैश वाई डैश एंड एक्स डैश वाई डैश, वो मैंने लिख रहा आप लिख लेना एक्स डैश वाई डैश वन इज इक्वल टू एक्स वाई वन इंटू 3 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो अब एक्स वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स वाई की वैल्यू सी से देखेंगे 54 है, तो यहाँ से लेंगे 5 4 1 और ये जो है वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलिंग मैट्रिक्स से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे जगह नियत में नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे आएगा 15 और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ पे आएगा 4 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसमें तो आएगा 1।
तो जो हमारा x डैश y डैश और 1 का वैल्यू है इसके बराबर, सो x डैश y डैश इज इक्वल टू 15 एंड 4, ये हो गया हमारा आंसर। अगर सिमिलरली a b का भी निकालना होता तो सेम ऐसे ही निकालते हैं, यहाँ पे a b का वैल्यू, यहाँ पे a b का वैल्यू पुट कर देते हैं 17 और 11, तो a b का भी आ जाता था, तो c की फाइनल पोजीशन है। ओके okay?